नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। मेरा नाम उमर खान है, मैं संयोजक हूं अहमदाबाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। ये रक्तदान शिविर कैंप हर साल रखा जाता है रथ यात्रा के टाइम पे, और इस मरतबा तो दो त्यौहार मुस्लिम भाइयों का, ईद उल अज़हा जिसको बकरीद के नाम से जाना जाता है, हालांकि बकरीद नाम का कोई त्यौहार पूरी दुनिया में नहीं होता, ईद उल अज़हा को बकरीद कहते हैं। और थोड़े टाइम के बाद में अगले महीने जो प्रोग्राम होने वाला है वो रथ यात्रा के प्रोग्राम के अंदर हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है जॉन टू के विस्तार में, श्रीपाल सेसमा साहब और उनके अंडर में प्रोग्राम है हमारा कारंज के हमारे PI PT चौधरी साहब, सापुर PI परिमल देसाई साहब, माधुपुरा PI और सब संयुक्त प्रोग्राम करते हैं। इसमें शांति समिति के लोग हिस्सा लेते हैं, युवा कमेटी के लोग हिस्सा लेते हैं, मंदिरों के महंत आते हैं इसमें, मस्जिदों के इमाम साहब होते हैं, यूथ कमेटी होती है, महिला समिति होती है, और सभी लोग। पिछली मरतबा जो हमने प्रोग्राम किए उसमें कौन सी गलती रह गई थी उस पर हम चर्चा करके आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम होने वाले हैं तो वो गलतियां ना दोहराई जाए, इस तरह से प्रोग्राम अधिकारियों से मिलके शासन और प्रशासन की मदद से हम हर साल इस तरह से ऑर्गेनाइज जो पुलिस प्रशासन करता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम बरसों से AK सिंह साहब जब अहमदाबाद कमिश्नर हुआ करते थे, अभी हमारे GS मलिक साहब हमारे अहमदाबाद के कमिश्नर साहब हैं, उनका नेतृत्व में उनकी टीम पुलिस प्रशासन साथ साकर और सहयोग देती है। 12 महीने के जो 12 त्यौहार होते हैं, हर धर्म हर कम्युनिटी के लोग वो हर्षोल्लास से मना सकें, ये हमारा हम हरदम आग्रह रहता है, वो रहता है हमारा। ईद उल अज़हा करीब में तैयारी में है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ईद उल अज़हा बरसों से मनाई जाती है, ईद उल अज़हा जिसको लोग बकरीद के नाम से जानते हैं, हालांकि विश्व में बकरीद नाम का कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ईद उल अज़हा को ही लोग बकरीद के नाम से जानते हैं। तो ईद उल अज़हा के टाइम पे अहमदाबाद पुलिस प्रशासन से, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, अहमदाबाद के मेयर प्रतिभाबेन जैन से हम ये आग्रह करेंगे कि साफ़ सफाई और जो डस्टबिन रखे जाते हैं कर्मचारियों को आदेश दे दें, और 12 महीने के 12 त्यौहारों में जिस तरह से देख रेख रखी जाती है, हम लोग शासन और प्रशासन के काम से पूरी तरह से खुश हैं। मुस्लिम समाज के युवाओं को, मुस्लिम अदर समाज के युवाओं को, कमेटियों को हर वक्त एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। पिछली मरतबा शाहपुर के अंदर एक मुस्लिम परिवार का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें 4 लोग इंतकाल हो गया था उनका, जिस तरह से उनको बजरंग दल वालों को पता चला, विश्व हिंदू परिषद वालों को पता चला, उन्होंने रथ यात्रा के वो रूट के ऊपर ही उनके मकान आते थे, उनके घर आते थे। अप्रिशिएट करता हूँ मैं उस यूथ कमेटी को, बजरंग दल की यूथ कमेटी को, विश्व हिंदू परिषद की यूथ कमेटी को, कि उन लोगों ने वो जगह से जब रथ यात्रा निकली तो बिल्कुल साइलेंट माहौल में निकली। और पिछली मरतबा जो हम लोगों ने पीस कमेटी शांति समिति मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग के अंदर विश्व हिंदू परिषद के युवा संगठनों ने 2 मिनट का मौन भी रखा था, तो मुस्लिम समाज को उनकी लागणियों का, जो हमारी लागणियों का उन्होंने सम्मान किया है, हम ऐसे ही उनकी लागणियों का भी सम्मान करेंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरह से पिछले दिनों में हमने हमारे बड़ों से सीखा और प्यार मोहब्बत वफा इज्जत ईमानदारी से प्रोग्राम किए, ऐसे ही आने वाले प्रोग्राम भी हम इतनी ईमानदारी से और मोहब्बत से करेंगे। जहाँ भी शासन और प्रशासन की ज़रूरत होगी हम शासन और प्रशासन की मदद भी लेंगे, और साथ ही साथ SR न्यूज़ का हड़गिया साहब आपका भी बहुत बहुत मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस तरह से इंटरव्यू लिया और आपके माध्यम से प्रजा तक हमारी बात पहुँची। साथ ही संजरी एक्सप्रेस के हमारे छोटे भाई जैसे युवा पत्रकार, युवा ग्रुप के मेंबर आमिर भाई, उनकी टीम जो 10-20 लोगों की टीम को लेकर हरदम वो फ्रंट पे रहते हैं समाज के लिए, वैसे युवाओं को, उनके संगठन को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जितने भी ग्रुप हमारे मोहल्ले में चलते हैं, चाहे वो संजरी कमेटी हो, चाहे पंचतन कमेटी हो, चाहे अल रहबर ट्रस्ट हो, ऐसे सारे के सारे ट्रस्टों को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। समाज ऐसे युवाओं की राह देख के बैठा है, हमको दाऊद इब्राहिम की, अब्दुल लतीफ़ की ज़रूरत नहीं है, हमें अब्दुल कलाम की ज़रूरत है और सफ़ी नसीम की ज़रूरत है। साहब से, शासन प्रशासन से हमारा आग्रह है कि आने वाले वक्त में आप हमारा साथ सागर दीजिए। मैं मेरी बात को यहाँ मुकम्मल करता हूँ। मेरा नाम उमर खान है, मैं अहमदाबाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संयोजक हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुँचाते रहें।